आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ आलू पूरी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे तो सभी घरों में पूरी बनाई जाती है, पर आज मैं नए तरीके से पूरी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 600 ग्राम आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने छील लिया है, अच्छे से धो लिया है, और साथ में 2 मीडियम साइज की प्याज लिए, 2 मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर। चलिए फिर पहले हम आलू को काट लेते हैं, और आलू को कुछ मैं इस तरीके से काट रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यदि आप लोग चाहे तो आप आलू कोई से भी आकार में काट सकते हैं। यदि आप लोग इस तरीके से काटेंगे तो हमारे आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अभी देख लीजिए, मैंने पूरे आलू काट लिए हैं, अच्छे से इनको दोबारा से धो लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च को भी ऐसे काटा है, और टमाटर प्याज को भी मैंने ऐसे काट लिया है। यहाँ पे चूल्हे पर रख दिए मैंने कढ़ाई, तो 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल इसमें मैं डाल दूंगी। आप चाहे यहाँ पे कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप यहाँ पे सरसों का तेल यूज करोगे तो हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, क्योंकि सरसों के तेल से सब्जी में और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तेल हमारा अच्छे से हो गया है गरम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे ली है 2 लौंग और काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अभी मैं साथ में ही डाल दूंगी जीरा, तो जीरा चटकने के बाद में हम डाल देंगे इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज। अभी हमारा जीरा भी चटक गया है, तो साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे प्याज, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक की ऐसे ही चमचे से चला लेना है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्याज का भी थोड़ा कलर चेंज हो गया है, तो अभी मैं साथ में डाल दूंगी ऊपर से टमाटर, और साथ में यहाँ पे डाल देंगे हम हरी मिर्च। अभी हम 1 मिनट के लिए तेल में ही इनको भी थोड़ा ऐसे भून लेंगे, और उसके बाद में मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी। अभी 1 मिनट हो गई है, मैंने टमाटर को भी प्याज के साथ में भून लिया है, तो चलिए अभी यहाँ पे सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच डाली है मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच लिए है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैं डालूंगी यहाँ पे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर तो नहीं, मैंने थोड़ा दरदरा टाइप मामजिस्ते में कूट के रखा हुआ है। और नमक यहाँ पे आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल लीजिए, और जैसे मैंने थोड़ा दरदरा टाइप धनिया कूट के रखा हुआ है, अगर हम इस तरीके का धनिया डालते हैं सब्जी में तो सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तो अभी हम इसमें आलू को भी ऊपर से डाल देंगे, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मसाला पका है, और तेल एकदम से ऊपर से साइडों में से भी निकल गया है। और आलू डालने के बाद में अच्छे से मसाले के साथ में इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ही आराम आराम से हमें मिक्स करना है, और अच्छे से मसाले में कोट कर देना है आलू को। यदि हम ये सब्जी गैस पे बना रहे हैं तो गैस पे हम पानी का बिल्कुल भी यूज ना करें। मैं ये सब्जी चूल्हे पे बना रही हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे 1/2 गिलास पानी डालना पड़ा है, क्योंकि चूल्हे की आँच थोड़ी तेज लगती है, और गैस की फ्लेम तो हम लो मीडियम करके भी सब्जी आराम से बना लेते हैं। अभी मैंने ढक के छोड़ दिया सब्जी बनने के लिए, जब तक हम अपना पूरी का आटा लगा लेंगे। यहाँ पे पूरी का आटा लगाने के लिए आप लोग देख लीजिए, 1 छोटी कटोरी सूजी ले रही हूँ मैं, और 1 मीडियम साइज की कटोरी यहाँ पे लिया है मैंने आटा। यहाँ पे आटा और सूजी को दोनों को ही मैंने अच्छे से छान लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें ऐसे आटे को लगाते जाएंगे, एकदम से पूरा पानी ना डाले, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इस तरीके से ही आटे को लगा लेना है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है हमारा आटा, और सूजी डालने से हमारी पूरी फूली फूली तो बनती है, और साथ में क्रिस्पी भी बनती है थोड़ी। और यहाँ पे मैं पूरी बनाने भी लगी हूँ, मैंने आटा गूंदने के बाद में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। आप लोग देख सकते हैं पूरी हमारी कितनी अच्छी फूल रही है। दोनों तरफ से ऐसे ही मैं अच्छे से पूरी को फ्राई कर लूँगी, और बाकी की हमारी जो बच रही है पूरी बनाने के बिना, उनको भी मैं इस तरीके से ही बना लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हमारी पूरी फूली फूली बन रही है, जैसे भटूरे बनते हैं सेम वैसे ही पूरी दिख रही है। यदि आप लोग सूजी डाल के आटे में पूरी बनाते हो तो सूजी का आटा लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में वो मुलायम हो जाता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा बन जाता है।
और फिर उस आटे से अगर आप पूरी बनाओगे तो पूरी ऐसे ही फूली फूली बनेगी एकदम भटूरे की जैसे। और यहाँ पे बाकी की जो हमारी थोड़ी बहुत पूरी बच गई है वो भी मैं इस तरीके से यहाँ पे बना लूँगी। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए फिर हमारे आलू भी बन के हो गए हैं रेडी और सभी पूरी भी मैंने बना ली है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू पूरी की रेसिपी मेरे तरीके से। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और वीडियो में जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।